नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। दुनिया के सभी देशों में अलग अलग परंपराएं और रिवाजों को लोग मानते हैं। धर्म के अनुसार लोग परंपराओं और मान्यताओं का पालन भी करते हैं। कुछ समुदाय के लोग की ऐसी मान्यता होती है जो दुनिया के दूसरे लोगों को अजीबोगरीब होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बच्चे की मौत के बाद लोग उसके शव को पेड़ के तने से दफन कर देते हैं। यहाँ के लोगों की यह परंपरा है कि किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो पेड़ के तने को खोखला कर उसमें दफनाते हैं। आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा के बारे में। बच्चों और बड़ों की अंतिम संस्कार को लेकर सभी धर्म और कबीले के अलग अलग नियम होते हैं। किसी समाज में बच्चे के शव को जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें दफन करते हैं तो कोई दाह संस्कार करता है तो कोई जलदाह करता है। इंडोनेशिया के ताना तरोजा इस अजीबोगरीब परंपरा को माना जाता है। यहाँ पे बच्चे के शव को पेड़ को खोखला कर उसमें दफना दिए जाते हैं। इंडोनेशिया के मक्कासर से करीब 186 मील दूर रहने वाला ताना तरोजा में इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। यहाँ के लोग बच्चे की मौत होने या अनोखा तरीका अपनाते हैं। पेड़ के तनों को अंदर खोखला कर उसमें जगह बनाते हैं, जिसके बाद शव को कपड़े में लपेट कर उसको तने में डाल देते हैं। धीरे 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 शव प्राकृतिक रूप से पेड़ का हिस्सा बन जाता है। इस परंपरा के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन वह पेड़ के रूप में हमेशा उनके पास रहता है। जिस पेड़ में बच्चे के शव को दफना गया होता है, घर वाले उसकी देखभाल करते हैं। उनका मानना है कि पेड़ के रूप में उनका बच्चा हमेशा माँ बाप के साथ रहेगा।